एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि रोजमेरी वाटर के बारे में। रोजमेरी वाटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, कब अप्लाई करते हैं एंड कितने टाइम में इसका रिजल्ट्स हमारे बालों में दिखता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज मैं इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके साथ में क्लियर करने वाली हूँ कि रोजमेरी हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड इसके डूज़ एंड डोंट काफ़ी सारी हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, हम पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक प्लेन बाउल में एक ग्लास फुल पानी लेना है और पानी जो हम पीते हैं आरओ वाला आपको वो लेना है। एंड आप पॉइंट पहला हम क्लियर करते हैं कि हमेशा ड्राइड लीफ यूज़ करना चाहिए या फिर ग्रीन लीव्स। तो देखो, जिस टाइम पे आपके पास जो भी सूटेबल हो आप वो यूज़ करो। हमारे इंडिया में रोजमेरी लीफ का इतना यूज़ नहीं होता है जितना कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, तो इसलिए हम ड्राइड ही यूज़ करते हैं। एंड मैंने काफ़ी जगहों पे जहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पे भी पूछवाया था, लेकिन मुझे नहीं मिली ग्रीन वाली रोजमेरी। तो मैंने क्या किया है, 3 से 4 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसको कितने टाइम तक पकाते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसको अच्छे से बॉयल करो, उफानो, बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे इसकी जो भी क्वालिटीज़ है ना वो सब चले जाएंगी। आपको बस करना ये है कि तब तक पकाना है 10 मिनट तक कि जितनी भी इसके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी पानी के अंदर आ जाएं। आपको पानी को एकदम और पत्तियों को जलाना भी नहीं है, बस 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं आपको पकाना है। एंड अब इसके साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि है फेनुग्रीक सीड। हम इसमें फेनुग्रीक सीड ऐड कर देंगे, वो मैंने लगभग 1 चम्मच ऐड कर दिया है। एंड गाइस, अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि इसको कब हमें अपने बालों में अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस, आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल बाल साफ़ होने चाहिए, कोई भी गंदगी डस्ट नहीं होनी चाहिए, तब आपको इसको बालों में अप्लाई करना है। तो अब गाइस, मैंने 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया है। अब क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी मैं कम से कम 1 घंटे तक आपको रखना ही रखना है, क्योंकि जो भी क्वालिटीज़ है ना वो 1 घंटे के अंदर इसमें सारी वाटर के अंदर आ जाएंगे। और आप खुद देख सकते हो पानी कितना चेंज हो गया है, पानी का कलर अलग ही हो गया है, तो यानी कि इसमें सारी क्वालिटीज़ आ चुकी हैं। तो एक टाइम ऐसा था मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, जगह जगह से बाल निकलने लगे थे, तब मैंने ये होम रेमेडीज अप्लाई करना स्टार्ट करी, तब मुझे रिलीफ मिला। तभी मैं आपके साथ में ये अपनी टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज़ आपके साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ कि आपको भी जल्द से जल्द फ़ायदा मिले। तो आप, अब बात आती है इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। देखो, आप कॉटन बॉल की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से स्कैल्प में, और आप स्प्रे बॉटल की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्प्रे बॉटल से अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बात आती है कि इसको अप्लाई बालों में करना चाहिए या फिर स्कैल्प में करना चाहिए। तो गाइस, हमारे बाल कहाँ से ग्रो होते हैं, स्कैल्प से ही ग्रो होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करना चाहिए। स्कैल्प में इसे स्प्रे करते हुए जाना है और मसाज करते हुए जाना है। बट उससे पहले आपका ब्लड सर्कुलेशन जो कि सर्दियों में बिल्कुल थम जाता है, उसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कोई भी रेमेडी अप्लाई करने से पहले, कोई भी ऑयल अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को ज़रूर कॉम किया करो। इससे होता ये है कि हमारा स्कैल्प से जब हम ऐसे इस तरीके से बालों को सुलझाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, और हेयर ग्रोथ में हेल्प होती है। जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट होती है, और पेनिट्रेट होती है ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोजमेरी को, मतलब रोजमेरी लगाने के बाद में क्या हमें हेयर वॉश कर देना है, जी नहीं, आपको बस इसे लगाए हुए रखना है। और ये मैंने पूरा बना के रखा था 7 डेज़ के लिए। आज मैंने अप्लाई किया है, फिर मैं कल अप्लाई करूँगी, फिर मैं परसों अप्लाई करूँगी, तो हल्का हल्का मैं ये पूरा मैंने स्प्रे 7 डेज़ के अंदर मैं ख़त्म कर दूँगी। और एक और बात कि आपको 7 डेज़ से ज़्यादा इस पानी को नहीं रखना है, वरना ख़राब हो जाएगा। और आप ख़राब पानी को अपने बालों में अप्लाई करोगे रोजमेरी को, तो
आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा, आपके बालों में और भी न जाने क्या क्या परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो मैंने अपने पूरे रूट्स पे अप्लाई किया और बालों में अप्लाई किया, आप देख सकते हो। अभी बाकी मैं 7 डेज़ के लिए रख दूंगी। अब हमने अप्लाई तो कर लिया है लेकिन इसको पेनिट्रेट भी तो करना है ना, तो इसके लिए मैं हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करूँगी, बिल्कुल फिंगर टिप की हेल्प से, हल्के से। एंड हाँ, अगर आपको रोजमेरी लीफ के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी क्योंकि मैंने अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो जब मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसके तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊँगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।